राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आज नागपुर में कोर्ट के पुराने मामले को लेकर हाजिर होना पड़ा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 तारीख 30 मार्च मुकर्रर की गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अदालत में हाजिर होकर पुकारा होते ही राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने वकील के साथ कोर्ट में हाजिर हुए। देवेंद्र फडणवीस पर दायर इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार लोअर पैरेल का मामला भेजा है। सन 1995 से लेकर 1998 के दौरान झोपड़पट्टी डालने के कारण को लेकर यह केस दर्ज की गई थी। आज मुझे कोर्ट ने इलेक्शन एफिडेविट के मैटर में समन किया था। मैं कोर्ट में हाजिर हुआ। पीआर बॉन्ड पर मुझे अगली तारीख कोर्ट ने दी है और मेरा जो अर्ज है उसको स्वीकृत किया है। पीआर बॉन्ड का मूल रूप से करीब 93 से 98 के बीच की ये दो केसेस थे कि जिस समय एक झुग्गी झोपड़ी को बचाने के लिए हमने आंदोलन किया था और उस आंदोलन में 2 प्राइवेट केसेस मेरे ऊपर डाली थी और वो 2 केसेस सेटल भी हुई। अभी वो 2 केसेस मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन 2014 के मेरे एफिडेविट में ये 2 केसेस का मेंशन नहीं है, ऐसी मेरे ऊपर केस डाली गई। मैं लोअर कोर्ट में जीता, मैं हाई कोर्ट में जीता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस केस को सीजीएम कोर्ट में भेजा है और इसलिए मैं आज वहाँ पर हाजिर हुआ था। और मेरा विश्वास है कि इस केस में चूंकि जो 125 सेक्शन है उसके तहत चुनाव पर असर हो इस प्रकार से कोई चीज़ छुपाने का यह सेक्शन है और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे ऊपर आज तक जो भी केसेस हुई ये सारी आंदोलनों में हुई केसेस है, कोई भी प्राइवेट केस नहीं है। आंदोलनों के कारण ही, लोगों के लिए ही ये सारी केसेस हुई है, इसलिए उसको छुपाने का कोई कारण भी नहीं है। जब मैंने बाकी सारी केसेस उस समय बताई थी तो ये किस भी छुपाने का कोई कारण नहीं था। मेरे वकील ने जो एफिडेविट तैयार किया और ये सारी चीज़ें हम कोर्ट के सामने रखेंगे और मेरा विश्वास है कि कोर्ट हमको न्याय देगा, न्यायपालिका पर मेरा पूरा विश्वास है। इंद्र जी फडणवीस आज माननीय कोर्ट के सामने समक्ष उपस्थित हुए, उनके तरफ से आर्गुमेंट करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर साहब ने ऐसा बताया कि देवेंद्र जी फडणवीस ये नागपुर के रहवासी है, वो कहीं पे भी मतलब ट्रायल में आएंगे नहीं या कोर्ट को अवेलेबल नहीं रहेंगे, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है और ऑफेंस जो है वो अवेलेबल है तो उनको पीआर बॉन्ड पे छोड़ा जाए। उनकी ये मांग को स्वीकृत करते हुए कोर्ट ने उनको आज पीआर बॉन्ड पे छोड़ा है और 30 मार्च आगे की कार्रवाई के लिए रखी। आज 11 वाजताच्या सुमारास आरोपी देवेंद्र फडणवीस त्यांचे वकील वरिष्ठ अधिवक्तांसोबत माननीय न्यायालयात हजर झाले। त्यांनी माननीय न्यायालयाला अर्ज सादर केला की त्यांचा जामीन मंजूर करण्यात यावा आणि जामीन हा पीआर बॉन्डवरती मंजूर करण्यात यावा। तर यावरती आम्ही आक्षेप नोंदवला की सम कलमामध्ये अरविंद केजरीवाल यांना बेलच्या स्टेजवरती जेल जावं लागलं होतं, याच्यापेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या एक इलेक्ट्रल ऑफेन्समध्ये एका दुसऱ्या व्यक्तीला 15,000 रुपये कॅश सिक्युरिटी याच न्यायालयाने सुनावली होती। तशा पद्धतीमध्ये अशा परिस्थितीमध्ये माननीय न्यायालयाने घटनेच्या सम अधिकाराच्या नुसार या आरोपीला काही अशी वेगळी सवलत देण्यात येऊ नये असा आम्ही विरोध दर्शवला। त्याच्यावरती माननीय न्यायालयाचं असं म्हणणं होतं की आम्ही त्यांना सवलत देत नाही आहे, आम्ही त्यांच्याकडनं 15,000 रुपयाचा बॉन्ड लिहून घेतो आहे की ते याच्या पुढच्या तारखेला किंवा कोणत्याही तारखेला आले नाहीत तर कोर्ट त्यांच्याकडनं 15,000 रुपये वसूल करेल आणि त्यांनी ते बॉन्ड लिहून देतात की ते 15,000 रुपये माननीय न्यायालय भरून देतील आणि त्यांचा जामीन रद्द होईल। तर अशा परिस्थितीमध्ये त्यांचा जामीन आज माननीय न्यायालयाने या अटींवरती मंजूर केला आणि पुढची तारीख जी आहे ती या प्रकरणामध्ये दोषारोप निश्चित करण्यासाठी तारीख ठरलेली आहे 30 मार्च, आणि आजपासून हा खटला सुरू झालेला आहे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोपी म्हणून आज बीआर बॉन्ड लिहून दिलेला आहे आणि पुढच्या तारखेला आता खटला नियमितप्रमाणे सुरू होईल। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को रखी है। अदालत ने देवेंद्र फडणवीस को पीआर बॉन्ड 15,000 जांच के तहत ऑफेंस वेलेबल होने से उन्हें राहत दी है। अब तक के राजकीय आंदोलन से जुड़े कई मामले देवेंद्र फडणवीस पर लगे हुए हैं, जिसके चलते इस केस में भी उन्हें नागपुर की अदालत में आना पड़ा है। नागपुर अदालत परिसर से ब्यूरो रिपोर्ट, INBCN न्यूज़।